हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और ये देखिए, मैं ना परवल निकाली हूँ, तो मैं सुबह में फिर वीडियो नहीं मतलब बनाई थी आलू और परवल की। मैं अभी भुजिया बनाऊँगी, सूखी सब्जी। तो मॉर्निंग में वीडियो नहीं मतलब अभी लगभग 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे से मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सुबह में फिर मैं आई थी वहाँ से तो सो गई थी जगराता से। तो अपना सारा काम वाम करके नहा धुआ के और मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ मतलब वीडियो वगैरह शूट किया था, तो अभी मैं वीडियो मतलब अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। तो आलू और परवल की भुजिया बना रही हूँ, लंच मतलब लंच में बना रही हूँ। तो अभी और फिर चावल दाल ये सब बना लेंगे तो हो जाएगा। और सुबह में नाश्ता वगैरह हम लोग को थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का कर लिए थे, और वहाँ से प्रसाद भी मिला था। तो प्रसाद माता रानी के प्रसाद में था हलवा और घुघनी चना वाला था, तो वो भी मतलब अच्छा ही था। तो वहाँ से आके और हम लोग मतलब कि वही खा लिए थे तो हो गया था। और फिर ये हो गया, भुजिया बन ही गया है। और अब मैं चावल बना ले रही हूँ, तो चावल को थोड़ा देख ले रही थी कि मतलब ठीक ठाक है कि नहीं। और इतना नींद आ रहा था रात भर के जगह, तो इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। सुबह में तो उतना नींद नहीं आया था, बस लेट गई थी। लेकिन अभी फिर लंच वंच करके फिर से मतलब थोड़ा मैं सोऊंगी। अभी तो बनाना है क्योंकि इनको भी जाना है अपने काम में, इसीलिए। तो ये देखिए, मैं चावल धो के डाल दी हूँ, और उसके बाद मैं चावल के बाद बना लूँगी दाल या फिर कढ़ी वगैरह, जो जल्दी हो जाएगा फटाफट, मतलब जल्दी जो हो जाएगा वो बना के फिर रख लूँगी तो ठीक रहेगा। और फिर ये देखिए, कढ़ी मैंने बना लिया बूंदी वाला, तो ये भी ठीक है, इससे भी जल्दी मतलब ये जल्दी से हो जाता है, इसलिए फटाफट जो बन जा रहा है वो बना के खा। और बिना खाए तो रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए कुछ भी हल्का फुल्का बना के खा लो और फिर खा के सो जाओ, मतलब कि फिर सो जाऊँगी सारा काम निपटा के। तो देखते हैं, समय मिलता है तो, नहीं तो फिर तो मतलब जग के ही रहना पड़ेगा। और ये देखिए कढ़ी कितना टेस्टी लग रहा है। तो बस खाना खा के बर्तन वगैरह, फिर किचन है इनको सब मतलब साफ़ वगैरह साफ़ सुथरा करना है। और ये देखिए लंच मेरा तैयार हो गया है, तो आ जाइए आप लोग भी। तो है चावल आलू परवल की सूखी सब्जी और कढ़ी है बूंदी वाली, तो आ जाइए आप लोग भी। और बस आज का सिंपल सा हमारा लंच है, तो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ये देखिए कितना मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है, सिंपल सा भी खाना कभी कभी बहुत टेस्टी लगता है। और गर्मियों के दिन में तो सिंपल सा ही खाना हम लोग ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। और फिर लंच वगैरह करके किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके फिर सोने का टाइम भी नहीं मिला, और इतना ज़्यादा गर्मी था कि कुछ खाने लायक नहीं, बहुत गर्मी है। तो फिर मैं छत पे आ गई, मतलब टाइम नहीं मिला सोने का बिल्कुल भी। तो बस मैं थोड़ा सा छत पे आ गई थी टहलने के लिए, क्योंकि काम करते करते फिर शाम हो गया, कभी ये करो कभी वो करो, फिर शाम हो गया। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा छत ही पे घूम लेते हैं। और देख रहे हैं मेरी आँख हो कैसा लग रहा है, मतलब नींद से भरा हुआ है, लेकिन और लाइट भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लाइट करता है और गर्मी भी बहुत है। और उसके बाद क्या करते हैं, बारिश भी यहाँ पे नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो फिर गर्मी तो लगेगी ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी मतलब बारिश अभी तो शुरू नहीं हुई है इधर, लेकिन पता नहीं कब शुरू होगा। और यहाँ छत पे थोड़ा हवा चल रहा है तो ठीक लग रहा है, पर हवा तो चल रहा है लेकिन मतलब गर्मी वाला हवा जो रहता है जो ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है, मतलब गर्मी हवा लग रहा है लेकिन पसीना भी जैसे हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा उस तरह से, तो वही है। और बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर टहल ले रही हूँ, फिर नीचे जाऊँगी। अगर फिर खाना भी रात का बनाना होगा, अगर रात का खाना बनाते हैं, नहीं तो फिर जल्दी से बना के थोड़ा सा नींद में ले लूँगी अगर लाइट आ जाएगा तो। तो लाइट भी यहाँ बहुत ज़्यादा कटता है, बहुत ज़्यादा, जो इधर साइड रहते हैं ना वो जानते होंगे कि कितना ज़्यादा लाइट यहाँ कटता है। और छत पे मैं, बच्चे लोग भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाती हूँ, तो हम लोग मतलब बातें वगैरह करके, और फिर अगल बगल भी जो है ना वो लोग भी आ जाते हैं। तो बस मतलब ऐसे ही है कि बच्चे लोग तो वीडियो में नहीं आते हैं, लेकिन बस। और उसके बाद फिर मैं ये क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। तो ये देखिए बच्चे लोग ने मतलब खाना वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो ये देखिए ये इडली बना लिया है,
और मैगी भी लोग बना लेके खा लेते हैं। और सुबह में तो मैंने बना दिया था जैसे तैसे, लेकिन शाम तक फिर सोई नहीं थी तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, एकदम नींद जैसा लग रहा था। तो ये लोग तो बना के खा लिए थे और फिर हम लोग भी कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ खा लिए थे। और इनके लिए मैं थोड़ा सा रोटी बना दी थी और भुजिया, बस हो गया था। और बच्चे लोग तो इप्पी बना लिए, मैगी बना ली, और ये देखिए ये वाला मिठाई लाए थे तो हम लोग सब एक एक खा लिए थे। ये क्या करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, चंद्रकला मिठाई, चंद्रकला मिठाई है ये। तो आप लोग बहुत कोई जानते होंगे शायद, बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे कि ये कौन सा मिठाई है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन जानते हैं, कौन कौन नहीं जानते हैं। और बस ये देखिए कितना टेस्ट, बहुत टेस्टी लगता है खाने में ऐसे तो। तो बस अब हम लोग, अब मैं खाना वगैरह नहीं बनाऊंगी, यही खा लूँगी। तो ये लीजिए, देख लीजिए, और बस आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो बहुत टेस्टी है, एक तो आ जाइए आप लोग भी। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, और एक में तो पूरा पेट भर जाता है एकदम। तो बस मैं, हम लोग एक एक खा लेते हैं सब कोई, तो हम लोग का तो पेट फुल हो जाएगा, फिर खाना वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं होगा। और फिर इसके बाद मैंने मतलब कि वीडियो वगैरह नहीं बनाया। तो फिर ये अगले दिन सुबह का है, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये देखिए मैं कुकर में आज अभी बना रही हूँ, मॉर्निंग के टाइम में ही घुघनी बना रही हूँ। तो चना का घुघनी जो होता है ना, काले चना का, तो मतलब वही है, उसी का घुघनी और मूढ़ी बना दे रही हूँ। झटपट झटपट हो जाएगा। और रात को इतना गर्मी था कि बिल्कुल भी मैं सो नहीं पाए रात को, मतलब कि क्या बोलूँ, गर्मी से रो के बुरा हाल हो गया है। और उस पर भी मॉर्निंग का फिर सारा काम भी हम मतलब मैं जैसे तैसे कर ली, मतलब जैसे तैसे क्या, मैंने सारा काम कर लिया, समझिए मैजिक कर लिया, घुमा दिया। और ये देखिए मैं घुघनी बना रही हूँ, तो प्याज को भून ले रही हूँ, और थोड़ा सा अदरक लहसुन मैंने डाला है, और जीरा गोलकी ये सब जो जो होता है। और कुकर में मैं नहीं बनाती हूँ, फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो थोड़ा सा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी हूँ। और ये देखिए चना भी मैंने इसी में डाल के थोड़ा सा भून ले रही हूँ, और फिर कुकर को मैं बंद कर दूँगी ढक्कन, तो हो जाएगा ये पानी डाल के। और ये देखिए बहुत टेस्टी लगेगा, और मुरमुरे के साथ हम लोग खाएँगे इसको। तो बस ये देखिए, और इसे ढक ढक के मैं भून रही हूँ, ताकि इसका मतलब जो सेंट वगैरह है वो निकलेगा नहीं, तो सेंट निकल जाता है तो मसाले का खुशबू भी ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए मैं अच्छे से भून ले रही हूँ, और लाइट मतलब दिख नहीं रहा है किचन में, उतना ज़्यादा कम दिख रहा है, तो चलो कोई बात नहीं है। और फिर ये देखिए अब हो ही गया। और ये देखिए कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, किचन में तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। और मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा छोटा सा है एकदम, तो बहुत गर्मी लगता है। और ये देखिए बन के तैयार हो गया है, तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, और बहुत टेस्टी लग रहा था। इसको मुरमुरे के साथ, रोटी पराठा के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मुरमुरे के साथ खाने के लिए मैं बनाई हूँ, और मतलब मूढ़ी जो होता है हम लोग की तरफ। तो मैं कह रही थी कि सारी रात एकदम रो रो के बुरा हाल हो गया, इतनी भयंकर गर्मी थी कि मतलब कि क्या कहें। फिर उसके बाद मैजिक घुमाना पड़ा रात, मतलब सारा मॉर्निंग का काम करने के लिए। तो हम हाउस वाइफ को मतलब सो या जगो, काम तो मतलब घर का करना ही पड़ता है। और उसके बाद मैं ये क्या कहते हैं, बोतल में पानी भर ले रही हूँ, थोड़ा ठंडा पानी अच्छा लगता है पीने में, ऐसे थोड़ा गर्म टाइप का रहता है तो वो पी नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे बोतल धो के दो तीन मतलब भर के रख देती हूँ, फ़िल्टर हम लोग का है तो फ़िल्टर से ही। और देखिए बोतल मैंने धो लिया है, और फिर उसके बाद मतलब दो तीन बोतल है, एक बोतल नहीं है, तो सबको मैं भर के अभी पहले धो लेती हूँ। और जब भी मेरा बोतल खाली होता है ना, तो मैं धो के ही रखती हूँ। और बस अब फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, बोतल धो के रख देती हूँ। हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद लंच बनाऊंगी। अभी लंच मैंने नहीं बनाया है, तो अभी लंच बनाऊंगी। और बस देख रहे हैं हालत कितना ख़राब लग रहा है गर्मी से, और उसके बाद मैं फ़िल्टर से पानी भी भर दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं फ़िल्टर से पानी भर देती हूँ, ताकि फ्रिज में रख दूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो पीने में अच्छा लगेगा। तो इसके बाद फिर मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था, तो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा,
और बस अब ज़्यादा कुछ मैंने मतलब नहीं बनाया था कुछ भी वीडियो वगैरह। तो चलिए बाय।